मैं डॉक्टर वीके गोयल हूं, डायरेक्टर पंचशील हॉस्पिटल यमुना विहार। मेरा 50 बेडेड सेटअप है जिसमें 40 बेडेड कोविड को अलॉटेड हैं और हम कोविड के मरीजों का इलाज डे वन से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 4-5 दिन से ऑक्सीजन की एक्यूट शॉर्टेज हो गई है बहुत ज्यादा, और आज शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई। मेरे लोकल वेंडर ने कह दिया, उसको सप्लाई गाजियाबाद से आती है, उसने कह दिया उसकी गाजियाबाद से सप्लाई बंद हो गई है और मुझे ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा। उसको देखते हुए मैंने अपने नोडल ऑफिसर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ ईस्ट के सबको बोला कि सर मेरी हेल्प करें, क्योंकि मरीज मेरे पास कुछ 40 से ज्यादा ही लेटे हुए हैं, मैं कैसे सेवा करूं। तो इस एवज में उन्होंने मुझे दोपहर को 3 बजे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस भेज दिया कि आपको 5 बजे तक ऑक्सीजन का अरेंजमेंट खुद करना है, अदरवाइज आप पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम डॉक्टर इलाज करने के लिए हैं, लॉजिस्टिक इकट्ठी जरूर करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती। हम कहां तक इकट्ठी करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे जो हमें इकट्ठा करके दे। एडमिनिस्ट्रेशन, SHO सब मिलकर हमारी मदद कर रहे थे अब तक, लेकिन आज मुझे ये नोटिस एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया। अब मुझे डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि मरीजों का इलाज करते करते ही मुझे हथकड़ी पड़ जाए। इसके लिए प्लीज 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 आप लोग देखिए।